दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर जाए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए इस तो बात करते हैं केनरा बैंक से रिलेटेड। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और लगभग 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रेस करने वाला है बैंक FY22 में। तो एक बड़ी खबर निकल के आई कल बाजार बंद होने के बाद में एक खबर हम लोग को प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब केनरा बैंक के अंदर हम लोग को एक्शन बनने के कारोबार में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि लगातार जो है ये बैंक फंड रेज करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इससे पहले की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिसंबर में QIP देखने को मिल चुका है। तो बड़ी हलचल आपको केनरा बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। लगातार स्टॉक्स के अंदर तेजी का रुझान जारी है। अब देखिए, 9000 करोड़ रुपए के आसपास काफी बड़ा अमाउंट इस समय हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो बैंक इक्विटी के जरिए जो है ये फंड जुटाने की योजना फिलहाल के रूप में दिखाई दे रही है। तो इक्विटी के जरिए लगभग 9000 करोड़ रुपए जुटाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, स्टेट का बैंक है। और दूसरा अगर देखा जाए तो लगभग 2500 करोड़ विल बी थ्रो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको जो है 2500 करोड़ रुपए इसके अंदर QIP के जरिए भी जो है देखने को मिलेंगे। 2000 करोड़ का QIP पहले हो चुका है और 2500 करोड़ रुपए का QIP आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें तो बैंक ने अपने बोर्ड जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है इस चीज़ की जो है अनाउंसमेंट कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि लगभग 9000 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये डेट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उठाने की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए कि आपको इससे पहले भी QIP देखने को मिली, आगे भी QIP देखने को मिलेगी। 9000 करोड़ रुपए के आसपास ये उठाएंगे, टोटल अमाउंट जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अब आपको स्टॉक्स के अंदर नॉर्मल सी बात है हलचल देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है तो ये फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि टायर फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो 4000 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को टायर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 2400 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को टायर सेकंड में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में इसी तरीके से हम लोग को ये अमाउंट जो है डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मल सी बात है, स्टॉक्स के अंदर आपको हलचल देखने को मिल रही है और 161.85 रुपए के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी बढ़त हुई है और अच्छा खासा मोमेंटम आपको केनरा बैंक के अंदर अभी तक देखने को मिल रहा है। आगे भी आपको जो है इसके अंदर चाल अच्छी खासी बनती हुई नजर आ सकती है। देखिए, स्टॉक्स की बात करते हैं तो 161.45 रुपए के आसपास इस समय स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा है और लगभग 5% से ज़्यादा की तेजी आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में। तो आगे भी उम्मीद करके चल सकते हैं कि अच्छा खासा रुझान इसके अंदर हम लोग को देखने को मिले। लगातार गिरावट हो रही थी इसके अंदर, लगभग 160 रुपए के आसपास इससे पहले भी गया था और अब तेजी का रुझान लगातार जारी है। पिछले एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो मजबूती देखने को मिल रही है। अप एंड डाउन देखिए स्टॉक्स के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार खबरें इसके अंदर हम लोग को प्राप्त हो रही हैं तो बाजार के दिग्गज भी ये मानकर चल रहे हैं कि यह स्टॉक्स हम लोग को लगभग 190, 200 या फिर इससे ऊपर भी जाता हुआ नजर आने वाला है। पिछले 6 महीने का रुझान देखें तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 109 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा था और इसके अंदर हम लोग को अप्स एंड डाउन जो है देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल देखें तो इस समय ट्रेंड जो बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल में भी आपको शानदार इसके अंदर चाल देखने को मिली है। इसी तरीके से बात करते हैं गिरावट की तो 5 साल के अंदर जो हम लोग को हलचल देखने को मिली है, इससे पहले ये बैंक अगर देखें तो 2017 के अंदर हम लोग को लगभग 400 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आया था। तो देखिए अप एंड डाउन करते करते इसके अंदर काफ़ी गिरावट हो चुकी थी। 100 रुपये से नीचे के लेवल इसके अंदर बनते हुए नजर आए, लगभग 80 रुपये तक ये स्टॉक्स हम लोग को जाता हुआ नजर आया था। अब धीरे धीरे करके देखिए वहाँ से तो दुगुना हो चुका है और यहाँ से भी हम लोग को अच्छी खासी चाल इस बैंक के अंदर अब देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि खबरें आती हैं और खबरों के आधार पर हमें स्टॉक्स के अंदर हलचल देखने को मिलती है तो हम लोगों को पहले से ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए। अब पता चले ये स्टॉक्स हम लोग को आगे 2 से 3 महीने के अंदर लगभग 200 या फिर इससे ऊपर पहुंचता हुआ नजर आए, बट देखिए खरीदारी करते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर गिरावट हो सकती है। ऐसा नहीं कि खबरों के आधार पर आपको स्टॉक्स के अंदर जो है ऊपर के लेवल देखने को मिले, लगातार ऊपर की चाल देखने को मिले। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग को नीचे की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। मार्च 2021 में अगर इस बैंक के अगर रेवेन्यू की बात करें तो 16,316 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। इससे पहले 17,000 करोड़ का डेटा हम लोग को दिखाई दिया था दिसंबर 2020 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही। इससे पहले 17,682 करोड़ रुपए तक के डेटा आपको देखने को मिल चुका है। अगर 2020 की बात करें यानी कि मार्च 2020 की, ठीक है, 1 साल पहले की, तो 12,000 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा था और अगर देखें तो फिगर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को रेवेन्यू के अंदर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम की, तो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है। पिछले अगर क्वार्टर की बात करें तो 11,125 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो यही सिलसिला अगर ठीक 1 साल पहले देखें तो 8,700 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन जो है आपको इस बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 1,011 करोड़ के आसपास जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा था 696 करोड़ रुपए के आसपास। इससे पहले 444 करोड़ था, इससे पहले 406 करोड़, उससे पहले तो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि काफ़ी दिनों से जो है इसके अंदर हम लोग को तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट जो है बैंक का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो किस तरीके की हलचल में इस बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए अगर 2010 की बात करते हैं तो रेवेन्यू 18,000 करोड़ था, और अगर 2021 की बात करें तो 69,000 करोड़ से भी ऊपर के जो है आपको इसके अंदर डेटा देखने को मिल रहे। इंटरेस्ट इनकम 13,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी 2010 में, और अगर अभी की बात करें तो 45,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि एकदम से ही आपको इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगातार जो है आपको इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी तरीके से बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 3,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था 2010 के अंदर, और अगर अभी की बात करें तो गिरता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 2558 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब मजबूती क्यों देखने को मिल रही है, वो इसलिए देखने को मिल रही है अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लगभग 2014 की स्थिति देखें तो 2400 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है, वहाँ से लगातार तेजी का रुझान इस बैंक के अंदर बना हुआ है। और अगर पिछले साल से भी देखें तो पिछले साल तो हम लोग को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा था लगभग 2236 करोड़ के आसपास, और इस समय हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 2558 करोड़ के आसपास। तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही जो है शानदार इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरीके की एक्टिविटी हमें इस बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो 26,652 करोड़ का ये बैंक हम लोग को दिखाया जा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 13,000 करोड़ से ऊपर की देखने को मिल रही है। ROC पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, ROE नेगेटिव देखने को मिल रही है, और CR की अगर बात करें तो हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अब देखिए नीचे के लेवल अगर बात करें तो 80 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स चला गया है, वहाँ से लगातार जो है तेजी का रुझान जारी है। पिछले एक साल में अच्छी खासी बढ़त हमें इस बैंक के अंदर देखने को मिल चुकी है। साथ ही अगर बात करते हैं सरकारी बैंकों में ये कौन से नंबर पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो सबसे ऊपर SBI हम लोग को दिखाई दे रहा है, लगभग 376,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है। उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक की भी अच्छी खासी वैल्यूशन हम लोग को दिखाई दे रही है, तो 5वें नंबर पर ये बैंक हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब ROE की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल एक साल में नेगेटिव रहा है, 3 साल में नेगेटिव है, और 5 साल में नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अप्स एंड डाउन इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर ROE की बात करते हैं तो नेगेटिव इसके अंदर हम लोग को स्थिति देखने को मिल रही है। नेट NPA की अगर बात करें तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पिछले एक साल में लगभग 4% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है, 3 साल में 5% पॉजिटिव, और 5 साल में 5% से ज़्यादा की तेजी हमें बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर NIM की बात करें तो ये भी हम लोग को 1 साल 3 साल 5 साल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 69% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमें दिखाई दे रही है वो पब्लिक की है, लगभग 13.5% के आसपास पब्लिक के इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है। DIS की बात करते हैं 12% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIS की बात करें तो 4.5% के आसपास हम लोग को हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। अब अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 78% के आसपास हिस्सेदारी थी लगभग मार्च 2020 में, लगातार इसके अंदर हम लोग को हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आई है। अब देखिए ये बैंक जो है हम लोग को डिविडेंड फिलहाल की डेट में नहीं दे रहा है, बट लेटेस्ट देखें तो कब दिया था, 2017 के अंदर इसने डिविडेंड दिया था हमें, जो लास्ट डिविडेंड दिया था, और 10% के आसपास जो है डिविडेंड डिक्लेयर करता हुआ नजर आया था। बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं, कोई नहीं दिए गए। राइट इशू इसके अंदर एक बार हुआ है तो 2017 के अंदर हम लोग को देखने को मिल चुका है, और अगर स्प्लिट की बात करें तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है।